नमस्कार दोस्तों, आप सब में से जितने भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो एयरफोर्स का तैयारी करने जा रहे हैं या फिर आपके घर में कोई एयरफोर्स का तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप सबको शायद पता हो कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिन बच्चों का 12th में 50% या उससे ऊपर मार्क्स आया है तो उनका जो फॉर्म है वो एयरफोर्स के द्वारा भेजा जाना तय है। और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, लेकिन जो मार्क्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। और ये न्यूज़ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चों का जब 64%, 62%, 68% तो वहाँ तक उनका जो कॉल लेटर है वो नहीं आता था, कहीं जाकर 70%, 75%, 22 ऐसे बच्चों का कॉल लेटर आता था। तो बिहार बोर्ड में ये 70% लाना या उससे एबव लाना ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका 50% मार्क्स है या उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई करें। अभी करेंट में 3 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका एग्ज़ाम 13 से 15 सितंबर के बीच में होगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए स्पार्क साइंस सेंटर में टारगेट बैच को शुरू किया गया है, जिसमें आपको आपका अगर ग्रुप एक से ग्रुप वाई है, जो भी ग्रुप है आपका, आपको कंप्लीट जो उसका पढ़ाई है आपको पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस जो भी है आपको कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना ही नहीं, आपको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा स्पार्क साइंस सेंटर में, जिसमें टेस्ट होगा और सेट दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को जो एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हैं या फिर आपके घर के कोई जो स्टूडेंट है वो तैयारी करने वाले हैं, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि स्पार्क में 6 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एयरफोर्स का तैयारी करवाया जाएगा। और ये 2 मंथ ये बैच चलेगा, जिसका फी सिर्फ 1000 रुपीज़ है। स्पार्क साइंस सेंटर में 11th के लिए जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बैच शुरू हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट आपके आसपास है उन्हें ये इन्फॉर्मेशन उन तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए। धन्यवाद।